पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी का काम करते थे। जब मन आता था तुगलकी फरमान इशू करते थे, कभी नोटबंदी करना, कभी लॉकडाउन लगा देना एक घंटे की नोटिस पर, कभी मजदूरों को पैदल चलवा देना, जो मन में आता था वो करते थे। समन्वय बहस कराना, किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना, सामंजस्य बिठाना, ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी को ना पता है ना उनको आती है। अब लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, 240 सीटें आई है बीजेपी की, 63 हार गए इस चुनाव में, तो अब कोएलिशन पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही है। बैसाखी पर सरकार चलेगी और जो बैसाखियां हैं उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। जदयू ने आज कहा कि अग्निवीर स्कीम समाप्त होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमारे नेता लगातार कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने चुनाव भी लड़ा था, लोगों के पास भी लेकर गए थे। हजारों लाखों बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन अग्निवीर के खिलाफ है, वो हमारे साथ भी जुड़े। असलियत यह है कि 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल का समय और मांग रहा था और 21 साल के लड़के को बोला था तुम रिटायर होके घर चले जाओ। खैर, तो इस मांग के बाद देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। ये पहली मांग तो है नहीं। जदयू ने कास्ट सेंसस की भी, जातिगत जनगणना की भी बात उठाई है। तो मोदी जी का जो आदत पड़ी हुई थी अपनी मनमर्जी करने की, अपने तुगलकी फरमान चलाने की, एक अकेला सब पर भारी, अब खींचे जाएंगे हर डायरेक्शन में। और उनका टेस्ट ये है कि वो कितना समन्वय बिठा पाते हैं, वो कितना सम्मान कर पाते हैं, वो कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो अपने फ्रेम में ही लोगों को नहीं आने देते थे, एक अकेली फोटो आती थी। अब कल से मैं देख रही हूँ जितनी भी फोटो आ रही है उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं। कल से साहब एक ही कपड़ा पहन के सुबह से शाम तक रहे, विनम्रता से। अब मोदी की गारंटी, तीसरे शब्दों में अपने आप में मेरे बात करते थे, मोदी, मैं, हम, मेरा नहीं, मोदी बोलते थे। अब वो सब खत्म है, अब एनडीए की बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की ना यही खूबसूरती है, यही ताकत है, बड़े बड़ों की हेकड़ी निकालता है। लेकिन मुद्दों पर वापस आती हूँ, और मुद्दा है अग्निवीर का। और अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जिससे सेना का मनोबल टूटता है, उनका पराक्रम टूटता है, और ऐसी युवा विरोधी, ऐसी सेना का पराक्रम और शौर्य का खिलवाड़ करने वाली योजना का कोई जगह नहीं है। उसको तुरंत स्क्रैप करना चाहिए। मोदी जी के अंदर अगर जरा सा भी सेंस होगा तो वो करेंगे, और अगर अब नहीं उनका करने का मन होगा तो उनके एलाइज उनका हाथ पकड़ के उनसे कराएंगे। शाबाश हिंदुस्तान, बड़े बड़े तानाशाहों को सबक सिखाया आपने।